हेलो एवरीवन, वेलकम टू हबीबी दुबई। तो आज आपको लेकर चलते हैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 1 पर। तो मैं इस जगह जिस जगह पर घूम रहा हूँ, ये है दुबई का इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 1। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं आईफोन के क्या प्राइस हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है, अभी दुबई में काफ़ी आईफोन सस्ते हैं। वो तो कई लोग तो स्पेशल दुबई तक आते हैं फिर आईफोन बाय करने। तो आज आपको डिफरेंस बताते हैं आईफोन के, कह सकते हैं प्राइस में क्या डिफरेंस है इंडिया और दुबई में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मैं खड़ा हूँ इस टाइम यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर। तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड में। तो अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी हैं तो उनके रिलेटेड मैं कह सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कह सकते हैं आइटम्स हैं तो उनका क्या प्राइस है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ भी अगर आप स्पेशल दुबई में आना चाहते हैं आईफोन बाई करने के लिए तो क्या डिफरेंस है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, अभी आपको रेट दिखाते हैं और बताते हैं। तो फिर आप लोग चूज़ कर सकते हैं अभी आपको यहाँ से बाई करना चाहिए या इंडिया से बाई करना चाहिए। ये वीडियो है आईफोन लवर्स के लिए। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्राइस क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं ये आईफोन 12। तो जिसका जो प्राइस है आईफोन 12 का प्राइस है $661 64 GB, और आप कह सकते हैं 128 GB का $715 और 256 GB का $821। ये मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 12 के रिलेटेड। और इस यहाँ पर है आईफोन 13। तो आईफोन 13 का जो प्राइस है वो है 180 GB का $794, 256 GB का $900 और 512 GB का $1,125। और ये मैंने बात की है आईफोन 30। ये आईफोन 30 तो ये आईफोन 40। जो आईफोन 40 का आपको प्राइस बताते हैं, आईफोन 40 का जो प्राइस है 128 GB का $900, 256 GB का $1,000 और 512 GB का $1,230। तो ये मैंने जो प्राइस बताया ये बताया आपको कह सकते हैं आईफोन 40 का प्राइस। तो जो मैंने अभी प्राइस बताए हैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। आईफोन 12 का जो प्राइस है वो है $64 का $660 और 128 GB का कह सकते हैं $715 और 256 GB का $821। मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन 14 सीरीज़ का प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आईफोन 14 प्लस। तो आईफोन 14 प्लस का जो प्राइस है 128 GB का जो है कह सकते हैं $1,000 और 256 GB का कह सकते हैं $1,100 और 512 GB का जो प्राइस है वो है $1,300। तो अब मुझे इंडिया में मुझे इसका प्राइस का नहीं पता क्या प्राइस है, बट यहाँ पर जो प्राइस है वो ये है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ दोबारा, मैं बैक साइड कैमरे से भी आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये आईफोन 40 प्लस। तो ये आईफोन 40 प्लस तो आईफोन 14 प्लस का जो प्राइस है आप देख सकते हैं $128 का $1,000, एक 256 GB का $1,100 और 512 GB है जो उसका $1,300 है। और यहाँ पर है आईफोन 40 प्रो। ये आईफोन 40 प्रो, जो आईफोन 40 प्रो का जो प्राइस है $128 का $1,139 और 256 GB का $1,244
जो 1200 कह सकते हैं 512 जीबी है तो उसका $1470 है, और जो 1 TB का है उसका $1694। तो ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइस है, ये आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो प्राइस है 128 GB का $1244, 256 GB का $1350, और जो 512 GB है उसका $1575, और जो 1 TB है उसका $1800। तो अब मैंने आपको सभी जो आईफोन्स हैं 12 से लेकर 13, 14 सभी के प्राइस बता दिए हैं, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा अभी दुबई में कह सकते हैं आईफोन के क्या प्राइस है। और ये आप देख सकते हैं ये एप्पल की वॉच, तो जिसका प्राइस है ये कोई कह सकते हैं $424 से स्टार्ट है, जो एप्पल वॉच है 8 सीरीज़, तो उसका प्राइस है $424। और जो कह सकते हैं एप्पल वॉच 8 सीरीज 44 mm है, तो अब मैंने आपको प्राइस बता दी है एप्पल सीरीज़ के, तो आपने डिसाइड करना है यहाँ पर और इंडिया में क्या डिफरेंस है एप्पल सीरीज़ में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मेरा आज का यही मकसद था भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी भी क्या प्राइस है, तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपने कहाँ से बाई करना है। तो आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाते हैं, तो उसके बाद जो व्लॉग का एंड करते हैं। तो मैंने कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। और ये है ड्यूटी फ्री एरिया जिसका टर्मिनल नंबर 1, और ये टर्मिनल नंबर 1 है जो इतना बड़ा नहीं है, जो टर्मिनल नंबर 3 है वो काफ़ी बड़ा है। तो जो इंडिया के लिए, एशिया के लिए, या कह सकते हैं अफ्रीका कंट्री के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अरब कंट्री के लिए जो फ़्लाइट्स का डिपार्चर जो होता है तो वो टर्मिनल नंबर 1 से किया जाता है। तो जो टर्मिनल नंबर 3 है तो वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है, और टर्मिनल नंबर 3 इससे के काफ़ी बड़ा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा जो कह सकते हैं शॉप्स वगैरह आपको ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। जो टर्मिनल नंबर 1 है यहाँ पर आपको थोड़ी शॉप्स कम अवेलेबल मिलेंगी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, जैसे आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ की जी वैगन। तो अगर आप ये कह सकते हैं लॉटरी बाय करना चाहते हैं तो ये लॉटरी बाय भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 500 दिरहम्स, जो तकरीबन $140 में आप कह सकते हैं लॉटरी बाय कर सकते हैं। तो अगर इसमें 25 चांस है जीतने के, तो जो शौकीन है लॉटरी खेलने के वो खेल सकते हैं, बट मैं नहीं खेलता। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जो बताया। तो ये है दुबई का एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 1। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टर्मिनल नंबर 1 से जो फ्लाइट्स की जो डिपार्चर्स होती हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज की, एशियन कंट्री की और अरब कंट्री की जो फ़्लाइट है वो वहाँ से डिपार्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो शोरूम्स हैं यहाँ पर आपको जो ऑल प्रोडक्ट, जो ऑल सामान मिलेगा वो आपको ओरिजिनल मिलेगा, बट अगर आप दुबई में बाय करते हैं तो आप किसी शोरूम से बाय करती हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी बुर दुबई कह सकते हैं देहरा जो एरिया है तो वहाँ से आप बाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो डुप्लीकेट सामान हैं तो वो आपको भी मिलेंगे। तो मैंने जैसे देहरा और बुर दुबई जैसे एरियो में मैंने घूमा, तो वहाँ पर मैंने देखा जो डुप्लीकेट सामान है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर आप पहचान नहीं सकते भी आपके पास डुप्लीकेट सामान आप बाई कर रहे हैं या फिर आप ओरिजिनल बाई कर रहे हैं। तो अगर आप ओरिजिनल सामान बाय करना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट है आप एयरपोर्ट से बाय करें, यहाँ पर आपको जो फुल गारंटी मिलेगी जो ओरिजिनल सामान है। तो अगर आप डुप्लीकेट बाय करना चाहते हैं, कम पैसों में कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहती हैं, तो फिर आप दुबई से देहरा और बुर दुबई जैसे एरियो से आप बाय कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चीज़ की कह सकते हैं कॉपी अवेलेबल मिलेगी। तो ये डिफरेंस है, एयरपोर्ट से आपको ओरिजिनल सामान अवेलेबल मिलेगा, अगर आप दुबई में किसी शॉपिंग मॉल से बाय करते हैं तो फिर वहाँ से आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा। बट एयरपोर्ट से जो शॉपिंग करने का ये बेनिफिट है कि अगर आपके पास कह सकते हैं आपके बैग्स में जगह नहीं है, तो
तो आप यहाँ से बाय करके पॉलीथीन में आप अपने साथ कह सकते हैं, ट्रैवल पर ले जा सकते हैं, जहाज़ में ले जा सकते हैं। इसका यही बेनिफिट है यहाँ से एयरपोर्ट से बाय करने का। तो ये जो सारा एरिया है ये टर्मिनल नंबर 1 है, तो आप यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी वगैरह ड्रिंक कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी टाइम है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।